हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा। देखो क्या होता है, इंग्लिश सीखने के लिए टेंस की बड़ी ज़रूरत होती है और टेंस का इंग्लिश में बड़ा महत्व है। अगर हम किसी टीचर से भी बात करें तो वो बोलेंगे कि आपको इंग्लिश सीखने से पहले आप टेंस सीखें, उसके बाद ही आपको इंग्लिश समझ में आएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो टेंस होते हैं हमारे, ये मोस्टली तीन प्रकार के होते हैं। हमारा जो पहला टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट, और उसके बाद पास्ट और फ्यूचर टेंस। और हर टेंस के मतलब चार पार्ट होते हैं और हर पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें जो चार पार्ट होते हैं उसमें होता है जैसे कि इनडेफिनिट, और फिर कंटिन्यूस, और फिर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। आज हम आपके साथ जो डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के बारे में, मैं आपको बताऊंगा। देखो, कोई भी चीज़ है वो सीखने से पहले हमारे को उसका स्ट्रक्चर समझना होता है। और जो ये स्ट्रक्चर होता है, मान के चलो अगर हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें पहले हमारे को उसकी पहचान के बारे में पता करना होता है। उसके बाद जैसे जो सेंटेंस मेकिंग है वो कैसे होगी, इन छोटी छोटी चीज़ों को हमारे को समझना होता है। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि कोई सेंटेंस हम बनाते हैं उसको हम पहले हिंदी में समझेंगे, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। अब इस टेंस की पहचान क्या होती है, जब भी हम कोई हिंदी का वाक्य देखते हैं या उसको पढ़ते हैं, तो अगर उस वाक्य के अंत में वर्ब के साथ ता ते या ति शब्द है, और हिंदी के जो वाक्य है उसके अंत में अगर है शब्द आया हुआ है, हूँ हो, तो इस प्रकार अगर आया हुआ है, तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, तो इसमें जो पढ़ना वर्ब है और इसके साथ ता शब्द लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का वाक्य है। तो पहले हमारे को मतलब इसको अच्छे तरीके से सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, और उसके बाद हमारे को इंग्लिश का सेंटेंस बनाना होता है। अगर मान के चलो हिंदी भाषी एरिया है, तो वहाँ पर पहले जो हमारे दिमाग में जो सेंटेंस आएगा वो हिंदी में ही आएगा, और उसके बाद हमारा माइंड इसको कन्वर्ट करता है वो इंग्लिश में। अब मान के चलो कि मैंने जैसे आपको एक सेंटेंस बताया कि मैं अखबार पढ़ता हूँ, तो हमारे को इसमें तीन मैन जो चीज़ होती है वो समझनी होती है। अगर मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँ, मान के चलो कोई गाड़ी है, उसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे उसका गियर है, स्टेयरिंग है और ब्रेक है। उसी प्रकार किसी भी भाषा को सीखने के लिए, उसको सेंटेंस मेकिंग करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसमें उसी प्रकार एक सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मान के चलो आप हिंदी बोलने वाले व्यक्ति हैं और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, पहले आप हिंदी का सेंटेंस बनाइए। जैसे कि एक सेंटेंस मैंने अभी बनाया था, मैं अखबार पढ़ता हूँ, तो इसमें जो मैं है वो सब्जेक्ट है, अखबार जो है ऑब्जेक्ट है, और पढ़ता हूँ ये जो वर्ब है, तो जैसे कि वर्ब आती है, तो उसके बाद जैसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब। अगर इसी को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रहेगा, जैसे मैं की जो हम इंग्लिश बनाएंगे वो आई होगा, और उसके बाद जैसे अखबार पढ़ता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ, तो आई रीड ए न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर रीड जो वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, वो सेकंड नंबर पे आती है, और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। आपको पहले इसी चीज़ को क्लियर करना होगा, हिंदी में ये कैसे आएगा और इंग्लिश में कैसे आएगा। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। मान के चलो अब हमारे जो सेंटेंस होते हैं मोस्टली चार प्रकार के होते हैं, अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो। अब वो चार क्या होते हैं, अब मान के चलो हम कहीं पर भी गए हुए हैं, हम दोस्त दोस्त हैं, या कहीं पर घूमने के लिए गए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, मान के चलो हम पहाड़ों में गए हुए हैं, तो पहाड़ों के बारे में हम बातचीत करेंगे, तो उसकी हिस्ट्री पता करेंगे। अगर वर्तमान में हम कहीं पर भी हैं, तो हम वर्तमान की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बात करने से पहले हमारे को उसकी हिस्ट्री पता करनी होती है। अगर उस हिस्ट्री को हम पता करेंगे, तो हमारे को क्वेश्चन जनरेट करना होता है, फिर उसके बाद उसका आंसर देना होता है, फिर चीज़ों को वेरीफाई करना होता है। मान के चलो कि वो चीज़ें क्या है, जैसे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, वो सारी चीज़ें हमारे को देखनी पड़ती हैं। अब मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, जो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमारे को जो समझना होता है,
अगर हम चीज़ों को समझेंगे तो हम एक सेंटेंस के 1000 सेंटेंस बना सकते हैं। अगर चीज़ें समझ में ना आई तो हम सेंटेंस भी नहीं बना पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार की जैसे मैंने कुछ समय पहले आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक गाड़ी को चलाने के लिए क्लच ब्रेक और स्टेयरिंग की जरूरत होती है, उसी प्रकार इंग्लिश का सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अब उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, मान के चलो अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को ये पता करना पड़ेगा कि इसमें यानी कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगी, सब्जेक्ट कहाँ लगेगा, वर्ब कहाँ लगेगा और ऑब्जेक्ट कहाँ लगेगा। अगर हम इंटरोगेटिव की बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो इसमें डू और डज का प्रयोग होता है। डू का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है और डज का प्रयोग एक वचन के लिए होता है। अब ये सब सब्जेक्ट से पहले आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा। जो डू और डज का प्रयोग है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो डज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है यानी एक से ज़्यादा है तो हम डू लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो मान के चलो अगर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ, क्या आप पढ़ते हो, इसमें हमें देखना पड़ता है कि अगर वाक्य के शुरू में क्या आए तो हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हम बनाएंगे वो डू डज से बनाएंगे। अगर वाक्य के बीच में अगर क्या आए तो हम व्हाट से सेंटेंस बनाएंगे, क्या हम पढ़ते हैं। मान लो अगर हम एक सेंटेंस बोले क्या हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बहुवचन है तो पहले हम लगाएंगे डू, डू वी रीड, और आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस प्रकार हमारे को चीज़ों को समझना होता है। अगर यही वाक्य अगर मैं ये बोलूँ कि हम क्यों पढ़ते हैं, तो क्योंकि जो इंग्लिश होती है ये डब्ल्यू एच वाले वर्ड होते हैं, तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है हम दो तरीके से बना सकते हैं। जब हमारे को आंसर देना होता है यस और नो में तो हम डू डज से बनाएंगे, और अगर हमारे को उसकी डिटेल बतानी होती है तो हम उसको व्हाट वेयर व्हाई हु हुम हुज विच हाउ इनसे हम उसको बनाएंगे। अब जैसे कि मैंने एक वाक्य बनाया है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाए कि हम क्यों पढ़ते हैं, लेकिन शुरू में तो क्या या कुछ भी नहीं आया, तो क्योंकि इंग्लिश हम पहले बनाएंगे और जो डू डज है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। सब्जेक्ट एक वचन है तो डज लगाएंगे, सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू लगाएंगे। हमारे को देखना होता है कि चीज़ एक के बारे में बात है या कई चीज़ों के बारे में बात है, तो डिपेंड करता है उसके ऊपर। पहले हम सिचुएशन को समझेंगे, स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके बाद ही हम वाक्य बनाएंगे। अगर आप स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से समझें तो आप एक सेंटेंस के 1000 सेंटेंस बड़ी आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाने से पहले आपको इसके ऊपर थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ता है, थोड़ा दिमाग में सोचना पड़ता है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया, ठीक उसी प्रकार अगर हम सिंपल सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताएंगे तो उसमें क्या होता है, सिंपल सी दो तीन चीज़ें मैंने बताई कि उसका आपको ध्यान रखना होता है। आप इसमें क्या करेंगे, एक वचन के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाएंगे, और बाकी सेम प्रोसीजर रहेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है या बहुवचन है, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छी हो जाएगी। फ्लुएंसी तभी आएगी जब आपको चीज़ें क्लियर आपके दिमाग में होंगी। अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन भरी हुई है, यह ठीक उसी प्रकार है अगर किसी गुब्बारे के अंदर हम अगर अगर आवाज़ ज़्यादा भर दे तो वो फट जाएगा, तो वही सिस्टम होता है। अगर आपके अंदर कन्फ्यूजन का गुब्बारा भरा हुआ है तो आप उसको सीख नहीं पाएंगे। पहले आपको चीज़ों को समझने के लिए अपने आप को बढ़िया तरीके से तैयार करना पड़ता है। तो दोस्तों जो सिंपल सेंटेंस है, अगर बहुवचन के ऊपर हम सेंटेंस बनाएंगे प्रोसीजर सेम रहेगा, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब बहुवचन मान के चलो जैसे कि आई वी यू दे, या फिर हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करें। अगर मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं, जैसे कि हम अच्छा पढ़ते हैं, तो हम क्या है, बहुवचन है, वी प्रोनाउन है, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा क्या है, एडजेक्टिव है, इसको हम एज ए ऑब्जेक्ट इसमें सेंटेंस के अंदर रखेंगे, हम अच्छा पढ़ते हैं, वी रीड वेल, तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। और अगर हम आगे बात करें कि हमने इंटरोगेटिव की बात की और सिंपल सेंटेंस की बात की, और आगे हम मान के चलो इसको
नेगेटिव में आंसर देना चाहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस हम बनाए, तो इसमें हमें को ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। आप सिर्फ स्ट्रक्चर को समझिए, पहले सब्जेक्ट लगाइए और फिर सब्जेक्ट के साथ अगर एक वचन है तो डज नॉट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाइए, आपका वाक्य गलत नहीं होगा। अगर यही वाक्य बहुवचन में है तो उसमें आपको क्या करना, डू नॉट लगाइए, पहले सब्जेक्ट फिर डू नॉट फिर वर्ब की पहली क्रिया फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाइए और फिर आप आसानी से वाक्यों को बना सकते हैं। अगर मैं एक वाक्य बनाऊं कि हम खेत में नहीं जाते हैं, तो इसमें हम मतलब बहुवचन के बारे में बात है, तो सब्जेक्ट बहुवचन है वी, और वी के साथ क्या लगाएगा अगर नेगेटिव है तो डू नॉट, वी डू नॉट, फिर हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वी डू नॉट गो टू फील्ड, तो बड़े आसानी से हम इसको बना सकते हैं। अगर इसी प्रकार हम मान के चलो एक वचन के ऊपर अगर नेगेटिव का सेंटेंस बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, मान के चलो उसमें क्या करना होता है कि वे आज आराम नहीं करते हैं। अगर हम इस पे बनाएं वे आज आराम नहीं करते हैं, तो दे डू नॉट रेस्ट टूडे, तो इसमें क्या करता है, जो हमारा प्रेजेंट जो इंडेफिनेट टेंस है इसमें वर्ब की पहली क्रिया का ही प्रयोग होगा। अब मैं आपको बेसिक ट्रिक्स इसके अंदर बताता हूँ, जब भी सिंपल सेंटेंस हो और एक वचन कर्ता हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाइए, और अगर बहुवचन है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। अगर ठीक उसी प्रकार अगर नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो उसमें क्या है, आपको एक वचन के साथ डज नॉट लगाइए और वर्ब की पहली फॉर्म डज नॉट के बाद लगाइए, और अगर बहुवचन है तो आप डू नॉट लगाइए उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। उसी प्रकार अगर वाक्य इंटरोगेटिव है, मैं आपको शॉर्ट इन्फो इसके बारे में ट्रिक्स दे रहा हूँ, तो उसमें आपको क्या करना होता है, अगर एक वचन है तो डज सब्जेक्ट से पहले लगाइए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली क्रिया लगाइए और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाइए। अगर जो बहुवचन है अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, तो आप डू लगाइए और उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगाइए फिर ऑब्जेक्ट लगाइए फिर क्वेश्चन मार्क लगाइए, तो आप अच्छे तरीके से इसको स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं और उसी के हिसाब से आप सेंटेंस मेकिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल का जो कंटेंट अच्छा लगे तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।